ओ भाई साहब देखो काम देखो ये टकरे मार रहे हैं मुझे। लाओ आलू अब मैं देखो क्या लगता है कमीने यार। मैंने डाले को उड़ा दिया इसने, इसका पिकअप डाले से ज़्यादा है दोगी यार। वैसे ये बगी कहाँ पे है यार? ये रही बगी तो यहीं पे रुक जाते हैं, हॉर्न देते हैं। यार इनके बंदे ही नहीं आए कोई। वो आ रहे आ रहे लंगूर। हाँ के बॉस तुम्हारा वेट करें, 50 करोड़ रेडी रखो और आगे आ जाओ, कोई इशारी मत करना। चल चल हम आते हैं, तू जा हम आते हैं। बंदे के सामने तो सारे मतलब रेडी हो जाओ। वो देखो बंदे खड़े होंगे। रिलैक्स हो जाओ हम आ गए पैसे लेके। तो ये है उनका बॉस, तो तू है इनका बॉस, तूने तो छुपाया ट्रेवर को। हाँ मैंने छुपाया और मुझे ही पैसों की जरूरत थी इसलिए ये काम करना पड़ा। मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। ड्राइवर कहाँ है? पैसे रखो वरना तुम्हें और तुम्हारे ड्राइवर दोनों को उड़ा देंगे। नहीं पहले ड्राइवर को बुलाओ। बुला लिए ड्राइवर को। अच्छा तुम लोगों को पैसे मिल गए, अब हम लोग जा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने होशियारी की तो किसी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हमारे पास भी वेपन है, हमारे पास भी शूटर्स हैं। हम जा रहे हैं और ऐसा करो अपनी गैंग का नाम तो बता दो, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो और क्यों करे हो ये सब। अबे अपने काम से काम रखो। भाई तूने गोली क्यों मारी? बबलू सब बैठो गाड़ी में, जल्दी करो। अगर कोई गोली चलाए तो गोली के बदले गोली चलाना। अरे हमारे बंदे को क्यों मारा तुम लोगों ने? तुम ऐसे ही जाने देंगे क्या? हम भी गोली मारेंगे, हमारे पास भी वेपन है, कुछ करके दिखा दो। ओ भाई साहब गोलियां मार रहे हैं ये लोग, पैसे भी ले लिए। यार बैठो गाड़ी में, बैठो निकलो। चलो यार वही सो जाते हैं अभी, सही है सुबह बहुत सारे काम है। गुड नाइट भाई। नेक्स्ट डे। हाँ तो भाई तो रात कैसी गुजरी? मगल भाई बहुत अच्छी गुजरी यार, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी जगह आया। तो चलो शॉपिंग वगैरह करते हैं, डाले का कलर भी चेंज करवाते हैं, ब्लैक करवाते हैं। सही है, काला डाला दहशत की अलामत समझा जाएगा। अच्छा तो यार डाला अगर काला नहीं होता तो डाले का खौफ नहीं होता। हाँ मगल भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो ब्लैक करवाते हैं सारे डाले को और यार क्या करेंगे उसके बाद चलेंगे शॉपिंग वगैरह करें, ईद की शॉपिंग करेंगे और हेयर कट वगैरह करवाएंगे, जूते वगैरह लेंगे, सारी शॉपिंग मतलब आज ही फिनिश कर देते हैं। सही है, और एंड में चलेंगे शहरी करने। सही है, रात अगर हो गई ना हमें घर आते अगर देर हो गई तो शहरी जो है ना शहर में ही कर लेंगे मैकडोनल्ड पे। सही है ना, मस्त प्लान है, मैं बर्गर वगैरह खाऊंगा। अरे तो पहले ही बर्गर है और क्या बर्गर खाएगा, और क्या बर्गर बनाएगा तूने? कम खा ले, थोड़ा कम खा ले, अगर कभी जंग वगैरह हो गई तो तू भाग भी नहीं पाएगा। सोच ले क्या होगा तेरे साथ फिर। मगर भाई ये तुमने सोचा ही नहीं कभी, जंग होगी तो मैं पैदल थोड़ी भागूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी लेके भागूंगा। अगर रास्ते बंद हो जाते हैं फिर कहाँ से गाड़ी लेके भागेगा तू? सही बात है यार फ्रैंकलिन, ये बंदा पागल तो नहीं है? ये क्या मेरा गनमैन बनेगा? ये है तो मेरा बॉडीगार्ड, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये तो मुझे कहीं नहीं बचा सकता। मगर भाई मुझे भी ये लगता है कि क्या सोच के आपने इसको गार्ड रखा है। भाई साहब ऊपर चढ़ा दूंगा यार, मैंने इसको बॉडीगार्ड रख लिया लेकिन मैं भी पछता रहा हूँ अब कि ये तो किसी काम का नहीं। ऐसे AK-47 तो चलाई जाती नहीं है, कभी कभी तो ये गोलियां लाना भूल जाता है। तू भी लाना भूल गया था ना गोलियां? मान लो आप इतनी जल्दी में बुलाते हो तो पता ही नहीं लगता मैंने गोलियां घर छोड़ दी थी। डूब मरसानी आ गया शोरूम, यही है ना? हाँ यही है। अरे What brings you in today? Wait, just get my car fixed. Tension nahi lo. 3 hours later. Bhai saab, kitni der ho gayi? 3 ghante laga diye isne. Kal bhai, achhi to kar di. Haan yaar, achhi to kar di. Mashallah the. Mashallah bol do. Mashallah. To yaar photo leta hu gaadi ke, main ye story lagaunga Instagram pe ke meri gaadi aaj full taiyar hui hai. Dekho photo khichta hu. Magal bhai meri bhi le lo. हाँ खड़े हो जाओ तुम लोग आगे, तुम लोग फ्रेम में भिखारियों। कभी मेरी रेंज रोवर के सामने फ़ोटो खिंचवाते हो, कभी इसके सामने फ़ोटो खिंचवाते हो, यार तुम्हारा क्या ही सीन है? ये देखो डाला फुल रेडी, फुल ब्लैक काला डाला अपना ऑन द वे। यार अच्छा तो ये करीब से फ़ोटो खींच लेता हूँ एक, इंस्टाग्राम पे अच्छी टीपी लगेगी। सही है, सारा कुछ हो गया डन। तो अब चलते हैं यार, जल्दी से चलते हैं, अपने को बहुत सारे काम है। एक लास्ट फ़ोटो ले लेता हूँ मेरे ख्याल में, तो उसके बाद शॉपिंग करने चलते हैं यार। फ़ोटो कैसा है? ओहो
इंस्टाग्राम वाले जल जाएंगे सारे यार। एक और लेता हूँ, दिल ही नहीं भर रहा मेरा आज फोटो लेने से। नए व्हील, नए रिम, बुलेट प्रूफ गाड़ी पूरी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ इस पर ना मेट करा लूँ कलर, या फिर ये सही है भाई? मेट सही है या ये भी सही है? ये बहुत सही है मेट से। हाँ यार लेकिन मेरी कन्फ्यूजन है। नहीं ये कन्फ्यूजन कभी दूर कर लेंगे, दोनों ही कलर करवा के ना, मेट भी करवा के देखेंगे, वो भी करवा के देखेंगे, तो फिर तुम लोगों से पूछूंगा कौन सा कलर बेहतर लग रहा है, फिर तुम जो बोलोगे वो रख लेंगे। ओके मोगिल भाई। मोगिल भाई अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? यार अभी चलते हैं शॉपिंग करने। मैं सोच रहा हूँ कि ईद की शॉपिंग पहले ही कर लेते हैं तो सामान भी अच्छे नहीं मिलते, शूज़ वगैरह जूते वगैरह सारे अच्छे अच्छे बिक जाते हैं, फिर बेकार मिलते सारे कपड़े भी अच्छे नहीं मिलते। हाँ मोगिल भाई मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ यार चलते हैं वहाँ पे। और तू क्या कहता है फ्रैंकलिन, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ मैं कहूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे ख्याल में ये सही है। हाँ मैं कहूँ मुझे भी रुका मेरे पास एक पान वाली शॉप खुली है तो कर दो ना, मैं वहाँ पर चलूँगा, आप साथ में चलना मेरे। बहुत अच्छी पान की शॉप खुली है, वहाँ से पान खरीदूँगा मैं। यार ड्राइवर तो हर वक्त पान ही खाता रहता है, अरे तेरे को उस जगह पे कैंसर हो जाएगा, मैं कहना नहीं चाहता जहाँ पे मुन्ना भाई कहता है। छोड़ यार क्या बोलूँ तेरे को मैं। ओ मोगिल भाई मैंने भी वो मूवी देखी है मिर्जापुर है ना? हाँ वही। मैं समझ गया बबलू ये नोटी नोटी तो समझ जाता है बात को। बबलू ये बता डाला कैसा लग रहा है अपना? मोगिल भाई क्या बताऊँ माशाल्लाह की नज़र ना लग जाए किसी की, मुझे लग जाए ड्राइवर की नज़र ना लग जाए। मोगिल भाई मेरी नज़र नहीं लगती, मैं तो पान खाता हूँ, पान वाले की नज़र नहीं लगती। अरे ये कौन सी साइंस कहती है कि पान वाले की नज़र नहीं लगती? बस मार्गल भाई मैंने ख्वाब में देखा था, मार्गल भाई पान की थूक फेंक लूँ अंदर। अबे चल पान की थूक फेंकेंगे अंदर, डाला मेरा अभी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्चा करके आए हो। ओ भाई साहब ये नज़र ही नहीं आया मेरे को, ब्रेक लगी नहीं, ये देख सारी पान वाले की नज़र लगी है कमीने की। बोल रहा था नज़र लगेगी इसकी, बबलू बोल रहा था। मगर भाई मैं कह रहा था ना मुझे पता था ये पान खाता था सारा, हर वक्त हराम चीज मुँह में। मगर भाई मेरी नज़र सुन ले गया, मैं थोड़ी नज़र लगा सकता हूँ? मगर भाई मैं तो पान में मेरा मुँह भरा हुआ है, मैं कैसे नज़र लगा सकता हूँ? अच्छा हुआ जान बच गई। हाँ जान इसलिए बची क्योंकि गाड़ी को देखो ज़्यादा बैंड नहीं हुई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बुलेट प्रूफ है। अगर बुलेट प्रूफ ना होती है तो ना वो सारी कीमा बन जाता गाड़ी का, पहले जाते सारे मर जाते हैं रोजा रखने से पहले। ओ भाई साहब बारिश हो गई। हम अगले बारिश में नहाने का दिल कर रहा है। अबे चल अभी शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हैं, नहाने का दिल कर रहा है। हर वक्त नहाता है तू, मुझे पता है तू कितना नहाता है, साल में 2 बार। मगर साल में 2 बार नहीं 1 बार नहाता होगा। अच्छा तो चुप कर, ये है ना दुकान कहाँ पे यार? हाँ यही मार्केट लग रही है मेरे को। हाँ फिर एक दिन हमारे भाई यही है, यही है फैमिली मार्केट। तो चलो यार चलते हैं, डाले को मैंने बाहर रोक लिया, अंदर भी 1-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो देखो क्या मौसम है यार, दिल ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, दिल कर रहा है यहाँ पे कुर्सी रख के बैठ जाऊँ। ये दरवाज़ा बंद है इनका है ना, तो वहाँ से जाना पड़ेगा अपन को, वो उधर से। कपड़े वगैरह हैं आंटी? हाय देयर। हाँ कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। यार ये आंटी तो गुस्से ही करी। तो यार ये देखो थ्री पीस है क्या बोलते हैं इसको, लेयरिंग वाले। और उसके अलावा ये देखो टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं। 2 hours later। हाँ ये देखो बबलू कैसा लग रहा है? बबलू क्या चीज़ लग रही है, बवाल लग रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत प्यारे के भाभी को पसंद आ रहा हूँ यार। क्या बात कर रहे हो, मैं भाभी को कहाँ पसंद आता हूँ, तेरी भाभी को पसंद आता ही नहीं मैं। तुम लोगों ने ले लिया? हाँ बबलू भाई हमने ले लिया, मैं गाड़ी में रख के आ गया हूँ, आप 2 घंटे से यहीं पे थे, मैं गाड़ी में रख के आ गया हूँ सारे कपड़े। वाह भाई क्या बात है तेरी। ओ भाई साहब रात हो गई, 2-3 घंटे हो गए अंदर कपड़े ढूंढते हुए। हाँ मंगल भाई आपने इतना टाइम लगा लिया पता ही नहीं चला, 2-3 घंटे हो गए मैंने कपड़े सारे इधर रख दिए थे अंदर। हाँ बस यार देर हो जाती है, कपड़े वगैरह कन्फ्यूजन होती है, इतनी बड़ी मार्केट है तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन से कपड़े लूँ कौन से ना लूँ। ईद का माहौल है सारा, तो ईद पे सबसे अच्छा दिखना होता है तो अच्छे कपड़े लेने होते हैं। ड्राइवर तूने ले लिए? हमने साथ में ले लिए थे, तो मैंने ना तो सारे वहाँ पर रख दिए, गाड़ी के अंदर रख दिए पीछे सीट पर।
और फ्रैंकलिन के भी। और पता है फ्रैंकलिन तूने किस कौन से कपड़े लिए? भाई मैंने ब्लैक शॉर्ट्स ली और पीले रंग की जाइलो वाले कपड़े लिए। तो यही उम्मीद थी फ्रैंकलिन, तू कौन से कपड़े ले रहा है यार? बिल्कुल ही तू मतलब क्या तुझे बोलूँ, जाइलो वाले कपड़े छपरी वाले लिए तूने। मेरा यही अच्छे लगते हैं, तो पीली शर्ट है ना बंदा रात को भी नजर आता है जोर से, आंखों में चुभती है। हाँ तू तेरे से यही उम्मीद थी और क्या, बंदा हल्के रंग के कपड़े देता है जैसे मैंने लिया ना गिरे और मैचिंग के जूते मैचिंग की शर्ट। तो ये हमें क्या बता फैशन वगैरह कैसे करते हैं, और हमें क्या बता हम बस जो आया ले लेते हैं। हाँ यार वैसे भी तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ ट्रेवर की शादी हो गई पड़ी है तो उससे पूछते हैं उसने कौन से कपड़े लिए। भाई मैंने सफ़ेद रंग की शर्ट ली है, सफ़ेद रंग की शर्ट ली है तो हरे कलर की पैंट ली है और पीले रंग के जूते लिए। ए भाई तुम लोग नहीं सुधरोगे क्या, रंग बिरंगी तो हो गया सारा, वो लगेगा पता नहीं क्या कार्टून लगेगा। तो यहाँ से हेयर कट करवा लेते हैं, ये देखें खुला हुआ है कभी ना, रश ना हो, रश नहीं है बिल्कुल भी। हाँ भाई बाल बनवाने मुझे फारिग हो गया तो। हाँ आयो आयो आयो, सही है मैं आ रहा हूँ, मेरे बाल बना लो बिल्कुल ही सही है ना, मुझे तैयार कर दो कि मैं अपनी बीवी को पसंद आ जाऊँ। अबे तू इससे बात कर रहा है, मेरी आवाज़ तो सुन। अबे यार तू इससे लड़ रहा है, मैं कब से बोली जा रहा हूँ? हाँ मैं सुन रहा था, दो गाने एक कान से उसको सुन रहा था, एक कान से तेरे को सुन रहा था। सही है यार सही है, मेरे बाल बिल्कुल ही ओके कर दे। 20 minutes later भाई साहब कैसे हो गए मेरे बाल, अच्छा लग रहा हूँ ना बबलू? हाँ बात बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है पहले जैसे लग रही हो। अबे चुप कर यार, 1000 रुपये लिए उसने सैलून वाले ने। 1000 रुपये लिए माइकल भाई। ए माइकल भाई क्या ही करते हो, चिंटू है मेरे मोहल्ले का चिंटू, चिंटू नाई 50 रुपये लेता है। ए माइकल भाई क्या 1000 रुपये दे के आ गए हो? माइकल भाई मेरे साथ चलते, मैं चिंटू से 50 में कटवाता। अब बस छोड़ यार इन सैलून ने, अच्छा चिंटू के पास क्या है, तूने इसलिए नहीं कटवाया ना, तू चिंटू से कटवाएगा तू और ट्रेवर फ्रैंकलिन। हम जा रहे 150 में तैयार हो जाएंगे। हाँ यार तुम लोग वहीं से कटवाना और क्या। 3:28 AM 3:30 बज गए सैरी करने चलना है, चलो जल्दी चलो। अरे हाँ यार 3:30 बज गए पता ही नहीं चला सैरी वगैरह करनी है, चलो हाँ यहाँ से कर लेते हैं। बाकी मैकडोनल्ड का प्लान था कि वो बहुत दूर है, मैकडोनल्ड अभी नहीं जा पाएंगे तो यहाँ से कर लेते हैं बर्गर शॉट से बर्गर वगैरह खा के। हम अगर भाई यही सही और क्या, अब वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे मैकडोनल्ड पे। और बताओ लड़कों कैसी गई सहरी, 1 घंटा लगा लिया तुम लोगों ने, अंदर सुबह हो गई, ऊपर से पेट भर के खाए ना। हम अगर भाई मैं तो बहुत बर्गर खाई, बहुत खाया, बहुत चटनी वगैरह खाई, बहुत खाया, दाल वगैरह खाई, टिक्की वगैरह खाई, जूस पिया, पिज्ज़ा खाया। अरे अरे फट जाएगा किसी दिन मुझे लगता है ना बबलू, तू कोई इशू नहीं माइकल भाई। और तूने क्या खाया फ्रैंकलिन? माइकल भाई मैंने भी बहुत खाया बबलू के साथ। और ट्रेवर तूने? मैं पान खाया था, पान फेंका तो बहुत कुछ खाया पान के बाद, नहीं कैसे रह पाऊँगा मैं इतने घंटे पान के बोलिए। यार खैर है कभी कभी अगर तूने पान नहीं खाया तो क्या हो गया, पूरा साल खाता है 1 महीना नहीं खाया तो क्या हो गया? वैसे भी कल रोज़ा नहीं रखा था हम लोग, आज रख रहे हैं, पता नहीं क्या कल तुम लोगों ने उठाया नहीं था सहरी के लिए। लड़कों तुम लोगों को कहाँ का उतारूँ? बोल भाई ट्रेवर को उतारो ट्रेवर के घर, हम आपके साथ चलते हैं मैं और फ्रैंकलिन, तो मैं ना आज रात सो जाऊँगा फ्रैंकलिन के घर। सही है हमारे को ये सही है, सही सही है, ट्रेवर को अपने घर छोड़ दो, हमारे मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा 1 hour later। घंटे से मैं रुका हुआ इसलिए रुका हुआ कि देखो सुबह के टाइम एरिया कैसा लगता है और यहाँ पे अगर मैं गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करूँ तो कैसी लगेंगी। माइकल भाई ये बहुत अच्छा एरिया है, ये मैं कह रहा हूँ कि खरीद लो, ये जो घर है ना ट्रेवर से खरीद लो। ट्रेवर बेचेगा ये घर? नहीं माइकल भाई मैं नहीं बेचूंगा, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है, मैं अभी सोऊंगा तो बाद में मिलते हैं। सही है। हाँ यार ये बहुत अच्छा एरिया है, क्या एरिया है यार कसम से, साइड पे एरिया है बस। माइकल भाई मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ यार तू चाह ट्रेवर हम भी जा रहे हैं घर पे यार, आ जाओ बबलू फ्रैंकलिन जल्दी करो यार, बैठो गाड़ी में बैठो, नींद आ रही है मुझे यार बहुत, कब से घूम रहे अपन लोग, कल सुबह से घूम रहे हैं, कल सुबह 12 बजे नहीं 10 बजे शायद निकले थे वहाँ से, बहुत घूमे यार, एक तो 3-4 घंटे लग गए उधर गाड़ी रिपेयर करवाने में यार, काफ़ी टाइम लगता है, कलर किया फिर कलर सूखा। भाई कहाँ से निकाल रहे हो गाड़ी, पार्किंग एरिया पता नहीं क्या है यहाँ पे,
प्लेइंग एरिया है, बच्चे खेलते हैं। अबे छोड़ बच्चों को यार, डाला कहीं से भी चला जाता है, इतना खर्चा किया है, यहाँ से फंस जाएगा तो फिर डाले को डूब मरना चाहिए यार। मगर वो ये बात भी है, लेकिन फिर भी यार ध्यान से चलाओ। यार मैं ध्यान से चला रहा हूँ, अच्छा ध्यान से चला रहा था लेकिन ध्यान बट गया। मगर भाई मुझे पता था आपका। मायर भाई क्या ही कर रहे हो? मायर भाई बच्चे को नहीं मारो, रमजान में गुनाह मिलेगा। फ्रैंकलिन तो हद कर रहा है यार, उनको पता है डाला आ रहा है तो सामने से हट जाए ना, तेरे को बच्चे लग रहे हैं यार। हद है यार, पता नहीं कितना खर्चा किया मैंने डाले पे, डाले की ब्रेक लगती नहीं है, वरना मैं वहाँ से गिरने से बचा लेता, जहाँ से हम गिरे थे ना ब्रिज से, 3 लाख खर्चा किया तो सुबह बोलते दोबारा से रिपेयर करवानी पड़ी। ओ भाई साहब क्या ही हो रहा है। मगर भाई ध्यान से चला, बहुत ज़्यादा खर्चा किया अपनी गाड़ी पे तो नुकसान हो रहा है भाई। क्या कर रहे हो माइकल भाई? माइकल भाई मरवाओ ही आ जाओ। नहीं मरता तू पब्लू यार, माइकल के पास बहुत पैसा है, डाला है, होते ही ऐसे उड़ा देते हैं सबको। आ गया अपना घर, अपना बंगला आ गया, तो ये गाड़ी जो है ना ये तुम लोग ले जाओ, या फिर तुम डाला ही ले जाओ और क्या, तो बाद में ना किसी के हाथों भेज देना फ्रैंकलिन अपने ड्राइवर के हाथों। सही है माइकल भाई? अभी फ्रैंकलिन से पूछ रहा हूँ। हाँ माइकल भाई मैं भेज दूंगा, मैं डाला टर्न करके दे रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा करना कि अपने ड्राइवर को बोलना कि उसके पास जाए, कलर करवा के भेजे, सही है ना, रिपेयर करवा के भेजे, पैसे मैं दे दूंगा। ओके माइकल भाई, टेंशन नहीं लो, रिपेयर होके मिलेगा आपको। ये देखो ना सारी हालत हो गई, पीछे से तो सही है, आगे से साइडों से सही है ना, इसकी हालत ख़राब ही हो गई है। ओके माइकल भाई, मैं इसको फ्रैंकलिन को बोलूँगा कि ऐसा काम करवा दे, आप फोटो वगैरह ले लो, मेरे भी ले लो माइकल भाई। बस यार तूने तेरी ज़्यादा ली है, बहुत ज़्यादा, अब नहीं लेनी तो। अच्छा ऐसा करते हैं कि ये जो ना मैं अभी जा रहा हूँ, तो ये डाला जो ना रिपेयर करवा के भेजना, सही है, जो भी खर्चा है ना इस पे, क्योंकि कल वैसे भी बहुत काम है, इफ्तार के लिए चलना है, अब इफ्तार करना है। मैं उस मकैनिक को ये फ़ोटो भेज देता हूँ, सही है, कि क्या क्या मसला है गाड़ी में। जब भी मैं गाड़ी का फ़ोटो ले रहा होता ना, तो बबलू हमेशा फ्रेम में आता है, हमेशा। बबलू को बहुत शौक है फ़ोटो खिंचाने का। भाई कैसी है फ़ोटो? बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा हूँ ना। नहीं, शाहरुख खान का अब्बा लग रहा है तू, बस अब खुश। थैंक यू माइकल भाई। तो माइकल भाई इस गाड़ी को क्यों तोड़ रहे हो? इसको नहीं तोड़ो बेचारी को। बस यार ये क्यों खड़ी है मेरे घर में, इतना बड़ा बंगला है, ये मेरी बीवी की गाड़ी है यार, कितनी बेकार गाड़ी है यार। हमारे लिए क्या कम है, फिर हम जाएंगे। हाँ तुम भले जाओ, मेरा डाला ले जाओ, सही है। बाय माइकल भाई, अल्लाह हाफिज। चलते हैं, वो भी चले गए, अब डाला लेके वो जाएंगे, तो गाइस हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, बहुत सारे काम है, रोज़ा भी लगेगा अगर सोएंगे नहीं तो, थोड़ा सो लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इफ्तार करने शाम को। इफ्तारी के लिए भी जाना है, बहुत सारे काम है मतलब, तो थकावट हो जाएगी, फिर ऐसा करता हूँ सो जाता हूँ इसलिए, ताकि थकावट ना हो शाम को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।